शिक्षक शिक्षक एमएलसी चुनाव में छठी बार जीत दर्ज करके राजबहादुर सिंह चंदेल विधायक बने हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि आपने छठी बार जीत दर्ज की है, ऐतिहासिक जीत है सर, जी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये ऐतिहासिक जीत हमारी सेवाएं हैं और शिक्षक समाज के प्रति की गई सेवाओं का हमें प्रतिफल मिला है। बीजेपी ने इस बार प्रत्याशी लड़ाया था चुनाव, लोगों को हमारे प्रति आस्था और अटूट विश्वास जगा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। स्वागत का सिलसिला भी लगातार जारी है, लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। बताइए कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप आगे बढ़ेंगे? बस हमारे सामने वित्तहीन व्यवस्था के शिक्षकों की सेवाओं को सुनिश्चित कराना और उन्हें सम्मानजनक मानदेय दिलाना, एडहॉक टीचरों का विनियुक्तिकरण है, पेंशन बहाली है, तदर्थ वो व्यावसायिक शिक्षक कंप्यूटर शिक्षकों का समायोजन है और विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की सेवाएं जोड़कर पेंशन दिलाना। छठी बार जीत हासिल करना जिस तरीके से माना जाता है कि एक दो बार के बाद लोग नाराज होने लगते हैं, लेकिन आपके उसमें नाराज भी नहीं हुए छठवीं बार जीत की आप? नहीं तो मैं 24 घंटे की नौकरी मानता हूं, मैं 24 घंटे मोबाइल खुला रहता हूं, मैं पहले अटेंड करता हूं, खाना पीना लेट हो जाए, रूटीन हमारा गड़बड़ हो जाए। पेंशन योजना बहुत बड़ा मुद्दा थी, बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, चलाएंगे और शिक्षकों का समर्थन मिलेगा, बड़ा आंदोलन करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे और हल कराएंगे इस मसले को। अगर विधायिका पेंशन ले सकती है, न्यायपालिका पेंशन ले सकती है, तो कार्यपालक के रूप में शिक्षक कर्मचारी अधिकारी क्यों नहीं पाएंगे पेंशन? उन्हें भी पाना चाहिए। तो राजबहादुर सिंह चंदेल जी का साफ तौर पर कहना यह है कि उनका संघर्ष लगातार जारी है, इसी वजह से लोगों का विश्वास उनके ऊपर जारी है। उनका कहना यह है कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए अभी भी संघर्ष किया जाना बाकी है, जिसमें पुरानी पेंशन योजना सबसे बड़ा मुद्दा है। कैमरामैन सुम शुक्ला के साथ श्याम तिवारी, जी मीडिया कानपुर।